मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आज उर्दू के मोहसिन बने हुए हैं, सो कॉल्ड मोहसिन जो बने हुए हैं, उनके भी बच्चे आप जाकर के देखें तो अंग्रेजी मीडियम में, अंग्रेजी स्कूल में जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ममता बनर्जी हमारी बातों को सुनेंगी। हमें मुझे उम्मीद है कि कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशन में उर्दू को हटाया गया उसमें भी हम डिमांड करें, उसमें भी उर्दू को लाया जा सकता है। अगर उर्दू नहीं लाया जा सकता है तो कम से कम अंग्रेजी को रखा जाए जिसको पहले से रखा गया था। अब तो मुझे ये खतरा है कि अब हमारे बच्चे कांस्टेबल तक जाने के लायक नहीं है। IPS IAS WBCS तो बहुत दूर की बात हो जाती है। मुसलमानों का और उर्दू वालों का कुछ भला होने वाला है उससे हम बहुत मायूस हैं, और अब तक के उर्दू पर कुछ खास काम नहीं हुआ। अगर आप देखें कि मगरबी बंगाल के अंदर में DLED WBCS एग्जामिनेशन और इसके अलावा जो है कांस्टेबल का एग्जामिनेशन वगैरह में जिस तरह से उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, इस पे तमाम उर्दू अदारे खामोश हैं। और स्पेशली हम तो ये मांग कर रहे थे, शुरू से मांग कर रहे थे कि उर्दू अकेडमी को कम से कम इसमें बोलना चाहिए था। बात को कहने पर बहुत ही ताज्जुब हो रहा है कि आपको क्या मालूम नहीं कि हमारे बंगाल में जो उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा मिला है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ज़बानी और कागज़ कलम में है। आप अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो उर्दू को 5 in 10 सालों के अंदर में उर्दू को ख़त्म कर दिया गया है। IAS IPS तो बहुत दूर की बात है भाई। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो DLED जो एक बेसिक सा हमारे बच्चों के पास एक उसका इंस्टीट्यूट होना चाहिए, उसका कॉलेज होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए 600 से ज़ायद हमारे पास DLED कॉलेज हैं जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक उर्दू का जो है, एक उर्दू का सेंटर है। ये अफसोस की बात नहीं है, ये शर्म की बात नहीं है, हमें तो ताज्जुब होता है। ये बात मुझे वो शेर याद आ गया कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, यहाँ हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। साहिर लुधियानवी बहुत बड़े शायर हैं, लिटरेचर लैंग्वेज में काम ज़रूर होना चाहिए, मुशायरा भी होना चाहिए, हर कुछ होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम उस मुशायरे को समझने वाले पहले बने, मुशायरे को शायर को समझने वाले बने, उर्दू की कड़ी को मजबूत करें और उर्दू लैंग्वेज और लिटरेचर को हम अपने बच्चों तक, अपने घरों तक अच्छे से उसको पहुँचाने की कोशिश करें। अब ये फ़ख्र से हम लोग नहीं कह सकते, बस अब जो है हम फ़ख्र से यही कह सकते हैं कि हमारे ज़माने में हमारे आने वाली जनरेशन यही कहेगी कि हमारे अब्बा के ज़माने में बड़े बड़े मुशायरा हुआ करते थे, मेरे अब्बा के ज़माने में जो है उर्दू बोल करके कोई एक लफ्ज़ था, उस लफ्ज़ में जो है उर्दू में उर्दू वाले लोग जो है उस मुशायरे में बिरयानी खाते थे, नाश्ता करते थे, इंजॉय करते थे, नाच गाना होता था और ड्रामा होता था, मुशायरा होता था। इन सब चीज़ों पर हमारी नेक्स्ट जनरेशन अब यही कहेगी, क्योंकि हमारे बच्चे तो उर्दू के बारे में अब कुछ नहीं जानने वाले। सबसे पहली बात तो है कि उर्दू एकेडमी जो है ये मुशायरा का प्रोग्राम कर रही है। पूरे दुनिया में गम का माहौल है, फ़लस्तीनी भाइयों के पर मजालिम और जुल्म ढाए जा रहे हैं, और इसके बावजूद भी जो है जहाँ कहीं भी अगर उर्दू वाले और स्पेशली मुसलमान अगर मुशायरा और जश्न का माहौल मना रहे हैं तो ये नहायत ही अफसोस की बात है, इंसानियत के अगेंस्ट है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है ये। जहाँ मुसलमानों का सपोर्ट हम नहीं कर सकते, फ़लस्तीनी भाइयों का सपोर्ट नहीं कर सकते, वहाँ कम से कम अपने गम का इजहार तो ज़रूर कर सकते हैं, अल्लाह से दुआ तो ज़रूर कर सकते हैं। इस मौके पर इस तरह के जश्न मनाना सही नहीं है। बिल्कुल उर्दू के साथ तो मगरबी बंगाल में कई साल से नाइंसाफ़ी हो रही है। हमने जिस दीदी को सत्ता पर लाया था, जिनको हमने सियासत में उतारने के बाद हमने ये ख्वाब देखा था कि मुसलमानों का और उर्दू वालों का कुछ भला होने वाला है, उससे हम बहुत मायूस हैं और अब तक के उर्दू पर कुछ खास काम नहीं हुआ। अगर आप देखें कि मगरबी बंगाल के अंदर में DLED WBCS एग्जामिनेशन और इसके अलावा जो है कांस्टेबल का एग्जामिनेशन वगैरह में जिस तरह से उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, इस पे तमाम उर्दू अदारे खामोश हैं। और स्पेशली हम तो ये मांग कर रहे थे, शुरू से मांग कर रहे थे कि उर्दू अकेडमी को कम से कम इसमें बोलना चाहिए था। उर्दू अकेडमी ने भी कोई एक लफ्ज़ अपने मुंह तक को नहीं खोला, और आज हमारे बच्चों के साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ और हम जैसे नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। और उर्दू को एक निशाना बना, उर्दू को सामने रख करके, उर्दू को सामने रख करके सिर्फ एक वोट बैंक वाली राजनीति हुई है। WBCS एग्ज़ाम में उर्दू वाले हिस्सा लेते थे और टॉप भी करते थे, लेकिन उर्दू को हटा दिया गया कंपलसरी, जो 300 का मार्क्स है, कितना नुकसान होगा? बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब हमारे 10-12 साल तक का कम से कम तो जो है उर्दू के तलबा जो है वो अब आगे नहीं आ सकते।
जिस उर्दू के सहारा लेकर के वो आगे बढ़ते थे वो अब उनका करियर यहाँ से ब्लॉक हो रहा है। कम से कम 10 से 12 साल जो है उनके साथ ये बहुत बड़ा नाइंसाफी होने वाला है। और हम लोग, हमारे लोग जो ब्यूरोक्रेसी में जाते थे वो अब ब्यूरोक्रेसी में और WBCS जैसे एग्जामिनेशंस में अब नहीं बैठ सकते। यहाँ से हम लोग बहुत पीछे जाने वाले हैं। और शायद हमको जहाँ तक ये लगता है कि अगर हम सिर्फ हिंदुस्तान में मोदी सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को जहाँ पर हम दिन भर कोसने वाला काम कर रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं अपने बारे में भी अब सोचने की ज़रूरत है और मगरबी बंगाल हुकूमत के बारे में भी अब सोचने की ज़रूरत है। उर्दू स्कूलों में दिन ब दिन तलबा का तादाद घट रहा है, स्कूलें बंद हो रही हैं, उर्दू अकेडमी खामोश तमाशा ही है। जाहिर सी बात है कि जब आप सिर्फ जश्न मनाएंगे और जिस उर्दू के नाम पर आप बड़े से बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको तो ये बात अच्छे से मालूम होना चाहिए कि पहले दरख्त लगाना पड़ता है, पौधों को लगा करके उसमें पानी देना पड़ता है और उसके बाद उस पानी देने के बाद उस दरख्त को अच्छे से उसकी सिंचाई की जाती है, ज़मीन की सिंचाई की जाती है। हम लोग दरख्त को फिर तब बढ़ता हुआ देखते हैं और फिर उस दरख्त से हम लोग फल की कोई उम्मीद रखते हैं। लेकिन आज तो ऐसा हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो है मुशायरा पर मुशायरा ही हो रहा है, जिसके वजह से समझ में आता है कि आने वाले वक्त में उर्दू से चाहत रखने वाले, उर्दू से मोहब्बत रखने वाले लोग कोई नहीं बचेंगे, क्योंकि ये मुशायरा पे ही आकर के बात ख़त्म हो जाएगा और इसी सब प्रोग्राम पर हमारी करियर, हमारे फ्यूचर, हमारे आने वाले जनरेशन जो है ख़त्म हो जाएंगे। मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आज उर्दू के मोहसिन बने हुए हैं, सो कॉल्ड मोहसिन जो बने हुए हैं, उनके भी बच्चे आप जाकर के देखें तो अंग्रेज़ी मीडियम में, अंग्रेज़ी स्कूल में जो है तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको खुद उर्दू के बारे में कुछ नहीं मालूम है। लेकिन अब मामला ये है कि बड़ा से बड़ा फंड दिखा करके एक प्रोग्राम करना है, तो ये प्रोग्राम को आगे लेकर के जा, सरकार को धोखे में रख कर इस तरह का प्रोग्राम मगरी बंगाल उर्दू एकेडमी करते आ रही है। सरकार को धोखे पर रख करके मैं नहीं कह सकता, सरकार को सारी बातों का इल्म है। बस यही बात है कि हमें अपने उर्दू दा से एक शिकायत है, एक तरह से उनसे हमें ये बातें उनके सामने रखने की ज़रूरत है कि भाई आप जहाँ उर्दू के इतने बड़े से बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, लिटरेचर और लैंग्वेज ज़रूरी है, आप मुशायरा ज़रूर करें, लेकिन उस मुशायरा करने के लिए पहले मुशायरा में जो शायर वगैरह आ रहे हैं, हम पहले बच्चों को अपने पढ़ाएं तो शेर और शायरी होती क्या है, नज़म होता क्या है और इस तरह से गज़ल होता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में तालीम तो दें। हम आपसे चैलेंज के साथ ये बात कह सकते हैं कि वहाँ पर जो आने वाले लोग होंगे या जो इन जो उर्दू के मोहसिन बने हुए हैं, ऑडियंस हैं हमारे, आप उनसे जा कर के गज़ल की तारीफ़ पूछ ले तो शायद वो बताने से कासिर है, नहीं बता सकते। उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का भी मान्यता मिल चुका है 2012 में, और आप कह रहे हैं कि उर्दू के साथ नाइंसाफी हो रही है। आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मुझे इस बात को कहने पर बहुत ही ताज्जुब हो रहा है कि आपको क्या मालूम नहीं कि हमारे बंगाल में जो उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा मिला है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ज़बानी और कागज़ कलम में है। आप अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो उर्दू को 5 in 10 सालों के अंदर में उर्दू को ख़त्म कर दिया गया है, उर्दू का नामो निशान को मिटाने की कोशिश हो रही है, कुछ उर्दू को दूसरी ज़बान का खर्च करके उर्दू एकेडमी प्रोग्राम, आप करोड़ों रुपए खर्च करें, लाखों रुपए खर्च करें, लेकिन मसला ये है कि आपको उर्दू के लिए अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट, उर्दू के लिए अच्छे से अच्छा DL.ED कॉलेज, उर्दू के लिए अच्छे से अच्छा सेंटर आपको खोलना होगा। पहले इसी उर्दू मीडियम स्कूल के स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारे लिए एकेडमी को ध्यान देना चाहिए, हमें भी IAS बनना, IPS बनना है, हमारे पास पैसे नहीं है कि मुताले IAS IPS तो बहुत दूर की बात है भाई। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो DL.ED जो एक बेसिक सा हमारे बच्चों के पास एक उसका इंस्टीट्यूट होना चाहिए, उसका एक कॉलेज होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए 600 से जायद हमारे पास DL.ED कॉलेज हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक उर्दू का सेंटर है। ये अफसोस की बात नहीं है, ये शर्म की बात नहीं है, हमें तो ताज्जुब होता है। ये बात मुझे वो शेर याद आ गया कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, यहाँ हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो इसी तरह का मामला है कि अब हम किसे कहें और किसे हम अपना मोहसिन समझें और किसे हम अपना नेता समझें, किसे हम अपना लीडर समझें और किसे अपना रहनुमा समझें। मुझे तो ये बात पर बहुत अफसोस है कि हमारे आज उर्दू के कमर को तोड़ दिया जा रहा है मगरबी बंगाल के अंदर। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से आज आप देख रहे हैं UP की सरकार उर्दू को ख़त्म करने के लिए नए तरीके इख्तियार कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में नए तरीकों से नए तर्ज से
आज उर्दू को ख़त्म करने की एक साजिशें रची जा रही है। बंगाल एक वाहिद हमारा स्टेट था, हमारी एक रियासत थी जहां पर उर्दू का बोलबाला था, उर्दू बोलने वाले लोग मौजूद थे, 33% से ज़्यादा मुसलमान यहां मौजूद थे, उर्दू हर घर में पढ़ी जाती थी। अब ये आने वाले कल में मैं यकीन के साथ कह सकता हूं सिर्फ़ और सिर्फ हम जो है इसी तरह से उर्दू के मुशायरा करते रह जाएंगे और बड़े से बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रह जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे बच्चों को उर्दू का अलीफ से या तक के जो है वो सही से पढ़ करके सुनाने से कासिर रहेंगे। उर्दू को लेकर के आप जो बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ उर्दू को लेकर कुछ लोग खुश हैं कि उर्दू एकेडमी इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कामयाब आज से ही वो फेस्टिवल शुरू भी हो चुका है। हमने तो कहा कि बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं उर्दू एकेडमी वाले कि वो इतनी बड़े प्रोग्राम को कर रहे हैं और हिंदुस्तान की सरजमीन में उनका नाम होगा, लेकिन आने वाले वक्त में ये सुनहरे कलम से लिखा जाएगा कि उर्दू के जनाजा निकालने में उर्दू वालों का सबसे बड़ा हाथ था। रही भाई, एक आखिरी सवाल ये हुआ कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि उर्दू को ख़त्म करने की साजिश लगातार की जा रही है, जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? ज़िम्मेदार हम और आप भी हैं यहाँ कि जो हम इस तरह से वहाँ भीड़ लगा रहे हैं, ऑडियंस बन करके वहाँ जा रहे हैं, हम और आप भी ज़िम्मेदार हैं और जिनको हमने चुना था, अपना रहनुमा माना था, वो भी कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार हैं। हम दोनों ज़िम्मेदार हैं, हमें उनसे सवाल करने की ज़रूरत थी, हमने उनसे सवाल नहीं किया। और दूसरी चीज़ यही है कि जब हमने उनसे कोई सवाल नहीं किया तो उन्हें जो अपनी मर्ज़ी पर जो मर्ज़ी आया वो अपना वो काम को कर रहे हैं। साहिर लुधियानवी बहुत बड़े शायर हैं, लिटरेचर लैंग्वेज में काम ज़रूर होना चाहिए, मुशायरा भी होना चाहिए, हर कुछ होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम उस मुशायरे को समझने वाले पहले बने, मुशायरे को शायर को समझने वाले बने, उर्दू की कड़ी को मजबूत करें और उर्दू लैंग्वेज और लिटरेचर को हम अपने बच्चों तक, अपने घरों तक अच्छे से उसको पहुंचाने की कोशिश करें, तब जाकर के ये उर्दू की सही खिदमत होगी। और अगर ये इस तरह के काम नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम उर्दू एकेडमी को ही सिर्फ हम कहना या सिर्फ अपने आप को कहना या सिर्फ रहनुमाओं को कहना, इसमें हम कहते हैं कि तमाम के तमाम लोग ज़िम्मेदार हैं और सबको मिलजुल करके काम करने की ज़रूरत है। कम से कम मगरबी बंगाल के अंदर से उर्दू को ख़त्म होने से बचाने की ज़रूरत है। हम अगर चाहें तो बचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा DLED के कोचिंग सेंटर, DLED का सेंटर खोल सकते हैं। WBCS में हम अपनी सरकार ममता बनर्जी से मांग रख कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ममता बनर्जी हमारी बातों को सुनेंगी। मुझे उम्मीद है कि कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशन में उर्दू को हटाया गया उसमें भी हम डिमांड करें, उसमें भी उर्दू को लाया जा सकता है। अगर उर्दू नहीं लाया जा सकता है तो कम से कम अंग्रेज़ी को रखा जाए जिसको पहले से रखा गया था। अब तो मुझे ये ख़तरा है कि अब हमारे बच्चे कांस्टेबल तक जाने के लायक नहीं है। IPS IAS WBCS तो बहुत दूर की बात हो जाती है। कहते थे कि हमारे पास उर्दू वाले DSP है, BDO है। अब ये फ़ख्र से हम लोग नहीं कह सकते, बस अब जो है हम फ़ख्र से यही कह सकते हैं कि हमारे ज़माने में हमारे आने वाली जनरेशन यही कहेगी कि हमारे अब्बा के ज़माने में बड़े बड़े मुशायरा हुआ करते थे, मेरे अब्बा के ज़माने में जो है उर्दू बोल करके कोई एक लफ्ज़ था, उस लफ्ज़ में जो है उर्दू में उर्दू वाले लोग जो है उस मुशायरे में बिरयानी खाते थे, नाश्ता करते थे, इंजॉय करते थे, नाच गाना होता था और ड्रामा होता था, मुशायरा होता था। इन सब चीज़ों पर हमारी नेक्स्ट जनरेशन अब यही कहेगी क्योंकि हमारे बच्चे तो उर्दू के बारे में अब कुछ नहीं जानने वाले। उर्दू स्कूलों में ड्रॉप आउट की तरह बढ़ रही है, इसकी वजह क्या आप मानते हैं? एक्चुअल में देखिए, उर्दू स्कूल में ना टीचरों की भी तो कमी है। उर्दू स्कूल में टीचर सही से मौजूद नहीं है। उर्दू स्कूल जिनके हाथों पर दिया गया है कहीं ना कहीं वो लोग भी करप्टेड हैं। इस तरह से उर्दू में ड्रॉप आउट की तरह बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो। हम नहीं चाहेंगे अपने बच्चों को उस जगह पर तालीम हासिल करवाना या वहाँ डालना जहाँ पर मेरे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट नहीं है। लेकिन बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है जब हम अपने उर्दू मीडियम को एक आइडियल स्कूल बना दें, जब हम अपने उर्दू मीडियम के बच्चों को आइडियल बच्चों की तरह बना दें जिस तरह से बड़े बड़े स्कूल में होता है। और ये बहुत नामुमकिन वाली बात नहीं है जिस तरह से साहिल लुधियानवी साहब के हम जश्न मना रहे हैं। साहिल लुधियानवी का भी यही ख्वाब था कि उर्दू का बोलबाला हो, उर्दू की तरक्की हो, उर्दू का फ्यूचर मुस्तकबिल जो है वो बहुत ताबनाक, बहुत ज़बरदस्त हो। लेकिन आज शायद हमको जहाँ तक के लगता है कहीं ना कहीं साहिल लुधियानवी साहब की भी रूह को कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो रही होगी कि आज उर्दू के नामो निशान को मिटाया जा रहा है उन्हीं के नाम को लेकर के।